पासवर्ड कहाँ मिलेगा? हेलो फ्रेंड्स, 2018 में रिलीज हुई इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक, जिसने बॉलीवुड के किंग खान की सबसे बड़ी फिल्म को पीछे करते हुए कई सारे रिकॉर्ड बना दिए थे। और दोस्तों, आज इस फिल्म के साथ एक और नाम जुड़ चुका है, जिस कारण से दोस्तों अब इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट आने वाला है वो इंडिया में लगभग 400 से 500 करोड़ की कमाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर KGF फिल्म की, जिसमें कि आज बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त की एंट्री हो चुकी है। और दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है कि अब ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में ही लगभग 250 से 300 करोड़ की कमाई आराम से कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप संजू बाबा और रॉकी भाई यानी कि यश के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, संजू बाबा के फैंस के लिए आज का दिन काफी शानदार रहा है, क्योंकि दोस्तों आज हम सभी के फेवरेट संजू बाबा का जन्मदिन है। और दोस्तों, दूसरा ये कि आज ही 2019 की सबसे मच अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 में अधीरा के किरदार को रिवील कर दिया गया है, जो कि दोस्तों इस फिल्म का सबसे बड़ा विलन है। बताया दोस्तों आपको कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त अधीरा के किरदार को निभाने वाले हैं, जो कि एक काफी बड़ा रोल है। बताया दोस्तों आपको कि इससे पहले संजय दत्त सर कई सारी फिल्मों में विलन का रोल कर चुके हैं, जो कि हीरो के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर रॉकी भाई जो कि खुद में एक बहुत ही बड़ा विलन है, उसके ऊपर दोस्तों संजय दत्त क्या भारी पड़ पाएंगे या नहीं, चलिए जानते हैं। बताया दोस्तों आपको कि ऑडियंस के बीच में इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ था, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म का जो फर्स्ट पार्ट था उसने पहले ही इंडिया में धूम मचा के रखी थी। और अब दोस्तों संजय दत्त के इस फिल्म के जुड़ने के बाद ये फिल्म इंडिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है। बता रहे चले दोस्तों आपको कि KGF चैप्टर 1 ने इंडिया के कई सारे रिकॉर्ड बना दिए थे और लगभग 280 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई थी और साउथ की सबसे ज़्यादा पसंद की गई फिल्म है। इस फिल्म के लीड में आपको कन्नाड़ा के रॉकिंग स्टार यश और श्रीनिधि शेट्टी नजर आए हैं। वही दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने। और दोस्तों, अब इस फिल्म के सेकंड पार्ट से संजय दत्त के नाम जुड़ने के बाद ये फिल्म इंडिया की सबसे मच अवेटेड फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुपरस्टार संजय दत्त का नाम जुड़ने के बाद ये फिल्म इंडिया में कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी? 200 करोड़, 300 करोड़ या फिर 500 करोड़? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लाते हैं साउथ और बॉलीवुड की न्यूज सबसे लेटेस्ट और सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।